खीना पैसा मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, किराए में दे दे। फिर पता चला वो भी जगह छोड़ दी, अब वहाँ है, अब वहाँ है, अब उसमें 10 जगह बदल चुके। तो प्रॉब्लम बंदे के मन में हुई कि जगह में? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये जब तुम करते हो ना, बस वही मुसीबत आ जाती। इसलिए दरवट जमाना कट। भला है भलाई भोगेगा, बुरा है बुराई भोगेगा, तूने कह लेना। शरीर है तो दुख भी होगा, शरीर है तो सुख भी होगा, ये अन्नमयी कोष सुख दुख भोगने के हेतु ही है। अन्नमय कोष से मैं न्यारा हूं ये कैसे जानना? जन्म से पहले और मरने के बाद अन्नमय कोष का अभाव है, इससे यह उत्पत्ति नाशवान होने से घट की तरह कार्य है। घट माने घड़ा, भूल मत जाइयो। मैं सदा ही भाव रूप हूँ, इसलिए उत्पत्ति नाश रहित होने से मैं इससे विलक्षण हूँ। अतः यह अन्नमय कोष मैं नहीं, मेरा नहीं, स्थूल देह रूप है। मैं इसका जानने वाला, दृष्टा, आत्मा, इससे न्यारा हूँ। इस रीति से अन्नमय कोष से मैं न्यारा हूँ यह जानना। प्राणमयी कोष क्या है? 5 कर्म इंद्री सहित 5 प्राण प्राणमय कोष है। प्रश्न, 5 कर्म इंद्री 5 प्राण कौन से? कर्म इंद्री और 5 प्राण पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में क्या आए हैं? थोड़ी अकल अपनी इस्तेमाल कर लो, थोड़ी स्मृति यूज कर लो, हम नहीं दोबारा लिखते। दैट्स अ नाइस वन। पूर्व में क्या आए? मैं भी यही करी ना, बोल देती हूँ, गीता में बोल दिया था, इसीलिए कहा था गीता पढ़ के आओ, अच्छे से समझ के आओ, जिससे हम वही पिछली बातें रोज 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 ना दोहराएं, कुछ आगे की बात भी तो करें। हाँ, तो पूर्व में क्या है? थैंक यू पंडित जी। प्रश्न, 5 प्राणों के स्थान और क्रियाएं कौन सी हैं? वह इस प्रकार है, प्राणवायु हृदय स्थान में रहता है, प्रत्येक दिन रात्रि में 21,600 श्वासोच्छ्वास लेने रूप क्रिया करता है। प्राणवायु 21,600 टाइम्स, पर ये सबके है नहीं, आपके 21,600 नहीं निकलने वाले। क्रोध, काम, डिप्रेशन और विचारों के अति प्रवाह के कारण 26,000, 28,000, 30,000, 35,000 तक 40 भी गिनवाए हमने एक बार। 1 मिनट में होने चाहिए 16, आप अपने गिन लेना कितने होते। पर चक्कर पता क्या है, जैसे ही गिनने बैठोगे ना तो सांसें लंबी लंबी शुरू कर लोगे, वो बेईमान हो तुम। फिर कहेगे नहीं 16 हो गए हो गए हो गए, अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर बाद ना हम किसी की ड्यूटी लगाते, जरा ना इसका गिनियो, इसे मत बताना कि इसके गिन रहे हैं, तो निकलेंगे 32, 35, 40। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मन का आंकड़ा है। और अगर योगी साधक है तो जब जब वो अभ्यास में बैठता है तब तब उसका ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। प्रति मिनट में 12 श्वास, 8 श्वास, 4 श्वास, 3 श्वास। लेट मी से लाइक दिस, तुम जब आंख बंद करके ध्यान के लिए, तथा कथित ध्यान के लिए, तथा कथित कह रही हूं, सारे बगले भगत आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, पर बगले भगत ये भूल जाते हैं कि उनका चेहरा और उनका मस्तक उनके मन की स्थिति को वर्णित कर रहा होता है। तो चेहरे देख के पता चलता है ये नींद में है, आलस्य में, बेहोशी में, विचारों में, गुस्से में बैठा हुआ, या विचारों में खोया हुआ है, या विचारों की जंग चल रही है इसके अंदर। कब समझोगे कि तुम्हारे नाटक मेरे साथ नहीं चलते हैं?
नहीं चलते, तो चलाओ ही क्यों? 21,600 श्वास आपके दिन में होने के लिए आपका ब्रेथ रेट, श्वास का जो नाप है, वो प्रति मिनट अनुशासित होना चाहिए। श्वास अनुशासित होने के लिए मन अनुशासित होना चाहिए। किसी दिन स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर कहीं पर आपको डांट पड़ रही है, कोई बेइज्जती कर रहा है आपकी, सो कॉल्ड बेइज्जती कर रहा है आपकी, ऐसे टाइम पे आप पूरा ध्यान अपनी श्वास पे ले जाइएगा और श्वास को लंबा और फुंकारे नहीं मारिएगा। शांत श्वास रखते हुए श्वास लंबी और गहरी के तुम्हारी जो लंग्स हैं वो पूरी फैल जाएं, फेफड़े पूरे फैल, तो चेस्टल एक्सपेंशन एंड अब्डोमिनल एक्सपेंशन, लेटरल पोस्टीरियर सब तरफ से आपका चेस्ट का, अपर एब्डोमिन का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एकदम गहरी लंबी शांत श्वास। सामने बंदा चिल्ला रहा है, डांट रहा है, गुस्सा खा रहा है, आप अपने श्वास पे काम कर रहे हो, यू नो व्हाट वुड हैपन इज, ना तो तुम्हें गुस्सा आएगा, ना उसके शब्दों का कोई प्रभाव होगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो अपने ऊपर है। बोलने वाला कब तक बोलेगा, वो भी चुप कर जाएगा। तो संभव यह है कि अगर माने संभव हो सके तो फिर बाद में आप उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितने समय में वो बकवास कर रहा था उतने समय में आप अपने श्वास पे काम कर लिए। सो व्हाट अ गिफ्ट, खड़ा खड़ा हो जा, मेरी बात सुन, तो खड़ा हो जा तो, और वो बड़बड़ 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 आधा घंटा बोले बंदे, आप आधा घंटा अपना काम कर लो, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते। पर प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बुरी आदतें, बेहोशी और अज्ञान की जो है, जैसे ही किसी ने बोला तुम्हारा नाम, बस चढ़े घोड़े सवार फू फू करते हुए सांस 21,600 की जगह 32,600 चल रही होगी। और ये भी संभव है, गुस्सा तो ये जा गया तो कुत्ते जैसी 50,000 प्रति मिनट पे चल रही, जो कुत्ता तेज भाग के हटे ना तो 55 प्रति मिनट, 60 प्रति मिनट तक चला जाता है। श्वास की इस क्रिया को प्राण एक्टिवेट करता है। प्राण है तो श्वास है, और प्राण निकल गया तो श्वास नहीं चलती। तो हम श्वासों से नहीं जीवित होते, अन्नमयी कोश प्राण से जीवित है, इसीलिए हम शरीर को प्राणी कहते, श्वासी नहीं कहते। जो प्राण लेता है, प्राण से श्वास, तो जिसमें प्राण है सो प्राणी। अपान वायु गुदा स्थान में रहता है और मल मूत्र के उत्सर्ग रूप क्रिया को करता है, उत्सर्ग अर्थात त्याग। समान वायु नाभि स्थान में माली की न्यायी कुएं के जल को बगीचे में पहुंचाने की तरह खाए हुए भोजन के रस को निकालकर नाड़ी द्वारा सारे शरीर में पहुंचाने रूप क्रिया करता है समान वायु। उदान वायु कंठस्थान में खाए पिया न जल का विभाग करता है, स्वप्न हिचकी आदि के दिखाने रूप क्रिया करता है उदान वायु। व्यान वायु सर्वांग स्थान में रहता है और सब अंगों की संधियों को फेरने की क्रिया करता है। इस रीति से 5 स्थानों के मुख्य स्थान और क्रियाएं हैं। प्रश्न, प्राणादि वायु शरीर में क्या करते हैं? प्राणादि वायु सारे शरीर में पूर्ण होकर उसे बल देते हैं। इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया के साधन होते हैं। प्रश्न, प्राणमयी कोष से मैं न्यारा हूं ये कैसे जानना? निद्रा में पुरुष सोया हो तो प्राण जगता है, तो कोई स्नेही आए
तो उसका सम्मान नहीं करता, चोराभूषण ले जाए तो उसका निषेध नहीं करता। अतः ये प्राण वायु घट की तरह जड़ है और मैं चैतन्य रूप इससे विलक्षण हूँ, अतः यह प्राणमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है, मैं इसका जानने वाला आत्मा, इससे न्यारा, इस रीति से प्राणमय कोश से मैं न्यारा, ये जानना। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, नींद में मन नहीं बुद्धि दोनों एक्टिव नहीं, खाली प्राण है, श्वास चल रही और कुछ चल नहीं रहा। चोर आ जाए तो प्राण ये नहीं कहेगा उठ जा, चोर आ गया घर में। और कोई बड़ा प्यारा मिलने वाला आ जाए तो भी प्राण ये नहीं कहेगा उठ जा, कोई तेरा मिलने वाला आया, क्योंकि प्राण अपने आप में चढ़ा। Isn't it amazing? प्राण पूरे शरीर को चला रहा है। ये खाया भोजन अंदर निगलते हो तो ये निगलना भी प्राण से, पचना प्राण से, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्राण से, हृदय गति, लीवर का सारे एंडोक्राइनल और जो ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रीशन क्या कैसी होगी, ये सब कंट्रोल्ड प्राण से है, एंड येट प्राण इज जड़। खाया हुआ भोजन पचता रहता है, जब तुम सो रहे हो शरीर में मालूम कितनी प्रोसेस हो रही है, न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन को वाया ब्लड सारे शरीर में पहुंचाया जा रहा है, सेल्स का रिपेयर वेयर टेयर सब ठीक हो रहा है, इधर ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, वो प्रोसेस कर रहा होता है किस इन्फॉर्मेशन को नज़दीक रखना है, किसको दूर करना है, किसको रखना है बहुत दूर और किसी को नज़दीक नज़दीक रखना है, क्या चीज़ गार्बेज करनी क्या चीज़ संभालनी, ये ब्रेन की प्रोसेस चल रही पूरे टाइम, इवन इन स्लीप ब्रेन इज वर्किंग, प्राइमल ब्रेन वर्क इज वर्किंग, जिसकी वजह से आपके हार्ट, आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन ये सब काम कर रहे हैं। पर फिर भी प्राण जड़ है, कि चैतन्य तो मैं ही हूं, तो ये कैसे, ये जड़ होके भी इतने काम कैसे किए चले जा रहा है, क्योंकि इस जड़ के आधार में भी तो चैतन्य है। वो कैसे, वो आगे जब विषय आएगा तब उसको बताएंगे। मनोमय कोश क्या है, पांच ज्ञान इंद्रिय सहित मन मनोमय कोश है। पांच ज्ञान इंद्रिय और मन कौन से है, ये पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में क्या आए हैं, डन। मन कैसा है, देह में अहमता और ग्रह आदि में ममता रूप अभिमान करता हुआ, इंद्रिय द्वारा बाहर गमन करता हुआ, यह कारण रूप है। ये मन के स्वरूप का जो पहले दिया था उन्होंने, सिर्फ इतना संकल्प विकल्प जो करे सो मन है। नाउ दे आर टेकिंग इन टू फर्दर डेप्थ। देह में मैंपन मन की वजह से, और बाहर परिवार में मेरापन मन की वजह से। जैसे भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, पुरुष से पूछा वो कौन है, कहते मुझे क्या पता, उसका नाम क्या, बोले मुझे क्या पता, इतने सुन उसका नाम है शीला, तेरा इससे रिश्ता हो रहा है, अब बंदे की नजर बदल जाएगी कि नहीं, क्यों बदली, मन बदल गया। फिर हुआ रोका, रोका को अंग्रेजी में मैं डाउन पेमेंट कहती हूं, ये सामान आज से मेरा हुआ, ये डाउन पेमेंट, रोका हुआ, सर्टिफिकेशन हो गई ना, तो अब दृष्टि बदल गई, अब ये मेरी शीला है। फिर हो गई सगाई, ये मेरी प्यारी शीला है। फिर हो गई शादी, साथ फेरे घोड़ी पे बैठ के गया, सब नीचे दोस्त उछल कूद फांद कर रहे थे। अभी पिछले कुछ दिनों हमारे बहुत पुराने एक परिचित थे, बड़ा जिद किया, उनकी बेटी की शादी थी, नहीं आना पड़ेगा आना पड़ेगा, बारात के आने से पहले भले आप चले जाइए, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, मैं चलो आते हैं, गई मैं। पर हुआ यूँ कि जब निकलने लगे ना तो सामने से उनके बारात आ गई, तो
जो एंट्रेंस है तो वहाँ भिड़ंत सी हो गई। अब बारात ने रास्ता रोक रखा है तो मुझे देखनी पड़ी, तो बड़ा मज़ा आया सब ड्रामा। तो दूल्हे के जितने दोस्त हैं कजन्स हैं ये नहीं समझ लगती क्या चक्कर है, मुंह में नोट लगा के डांस करते हैं। क्यों वही भाई, ये नहीं समझ लगी। और डांस करते करते ढोल बजाने वाले का किस देने का चक्कर है क्या, और ढोली जो है वो उसके मुंह से लगा नोट निकालने के लिए, तो दोनों के यूं ऐसे मुंह पास हो गए कि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई। सो काफी देर क्या गाड़ी रुकी रही, वो भीड़ बहुत थी, और फिर वो सब सुनते तो है नहीं ना, सब पागल हो रहे होते। तो औरतें जिन्हें नाचना नहीं आता वो भी, वो पता क्या करती हैं, चिड़िया उड़ कौआ उड़ 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 उड़, फिर सडनली दोनों हाथ से दोनों उड़ो दोनों उड़ो दोनों उड़ो। तो वो कौए उड़ा रही होती हैं और कोई मुंह में नोट दाबे हुए उछल रहा है, और दूल्हा घोड़ी पे ही उछल रहा था, ये सब चल रहा है। क्यों, मेरी शीला आज से मेरी धर्मपत्नी हो जाएगी। फिर पंडित जी बेवकूफ बनाते हैं सात चक्कर, बताओ सात चक्कर से वो तेरी कैसे हो गई, सात फेरे हुएंगे, पैसे का लेन देन होएगा, अब क्या, अब ये मेरी, पहले क्या था मुझे क्या पता कौन है। सो कौन है से मेरी पत्नी शीला, अब ये मेरी है, अब मेरे पूछे बगैर तू कहीं नहीं जा सकती, तू मायके नहीं जा सकती, तू शॉपिंग नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो, मेरी है ना तो अब करो।